अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द अनदर व्लॉग, वेलकम टू द अनदर डे। दिस इज हसनैन बाचे आल्सो गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब कैरियर से होंगे। तो गाइस फ्राइडे का डे था, जैसे कि आपको पता है कि ऐसा है कि मैं पूरा दिन सोया पड़ा रहा हूँ। तो अभी शबाद भाई आए थे, कहती हैं कहीं चलती हैं, यार बोर हो गए हैं बैठ बैठ के सो के। तो अभी हम आए हुए हैं, ये ना पार्क था जो सेल करने के लिए, आपको पहले मैंने व्लॉग्स में भी दिखाया है गाइस, अल हफीज सिटी गार्डन कोटसलाम आपको दिखाया था मैंने अपने व्लॉग में भी। तो यहाँ पे आजकल प्लॉट बेचने बिक नहीं रहे ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे क्रिकेट स्टार्ट हो गई है। हर तरफ क्रिकेट देखने को मिल रही है। हाँ, मैदान नौजवानों ने मैदानों को मैं कहता हूँ कि वो दूसरा कर दिया है। ये क्या करें मैदानों को, क्या करें काशी मैदानों को, क्या किया नौजवानों ने मैदानों को, आराम खोर बता दे यार, मैं भूल गया हूँ गाइस। मैदानों को मैं कहता हूँ कि यूज में ले आए हैं गाइस, यूज कर रहे हैं मैदानों को। तो ये देखिए नौजवान, हमारी नौजवान नस्ल, इनमें से कोई बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा। ये देखें सलमान खान, शाहरुख खान, हर किस्म के मॉडल पाए जाते हैं। और यहाँ पे हमारे ड्वेन ब्रावो भी खड़े थे, डीजे ब्रावो, अभी आपको गाइस दिखाएंगे। गाइस अभी मैं आपको डीजे ब्रावो दिखाना चाहता हूँ, वेस्ट इंडीज से इनका ताल्लुक है और ये खास मैच खेलने के लिए, पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। रुके, इनका अब गाइस, इनका अब हम ना इंटरव्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डीजे ब्रावो साहब, कैसे हो, तबीयत से ठीक है? ठीक। अच्छा कब से आप आए पाकिस्तान, कब आए हो यार? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए ना। अच्छा पाकिस्तान खेल रहे हो, पीएसएल खेलने आए हो? यस। तो टीम की देखे, ये सारी टीम आपने? अच्छा चंगी खेल रही है, बहुत अच्छी है, छक्के लगने ना। अच्छा हूँ तुम्हारी बॉलिंग है? हाँ जी बॉलिंग। चलो चलो थान विखाओ ना, मैच विखाओ, हूँ तुम्हारी बैटिंग है ना? यस सर। बस ठीक हो, लास्ट बॉल है। ये देखिए बच्चे सारे खेल रहे हैं, राम साहब ठीक हो? ये इनका कप्तान ड्वेन ब्रावो, डीजे ब्रावो। एकदम स्टाइल कर देना डीजे ब्रावो वाला। गाइस अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा सईद अजमल, हमारे पाकिस्तान के मायनाज प्लेयर सईद अजमल जूनियर बॉलिंग करने के लिए रेडी हैं, आपको दिखाऊंगा गाइस। अब ये देखे गाइस, ये सब भी खेल रहे हैं भाई, हम देखेंगे। ओ सईद अजमल ने पहली बॉल को, मैं कहता हूँ अच्छा, ये देखें सईद अजमल की पहली बॉल और गेंद फंबल हुई, फील्डर है मौजूद। यहाँ पे नौमान अनवर और उनके साथ हैं कमजोर प्लेयर, ये देखें बस नौमान अनवर और उस्मान चनवारी बैटिंग पर। सईद अजमल स्विंग करें ना, आप स्विंग नहीं हो रही आपकी बॉल, आप जितना भी छुप लें आपको भाई हमें देख लेंगे। और फील्डर यहाँ पे मौजूद शाहिद खान अफरीदी, कहाँ है हमारे शाहिद खान अफरीदी? ओ मशीनों वाली शॉप को बंद करके शाहिद खान अफरीदी भी मैदान में आ गए हैं गाइस। नौमान अनवर की शॉट और बॉल बाउंड्री से बाहर, 6 रन। गाइस देखें कितना प्यारा छक्का लगाया नौमान अनवर ने। अच्छा भाईजान, इस टीम के कप्तान तो आप हैं, लेकिन आप बाद में जा रहे हैं नए टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, उनको बारी दे रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, उन खिलाड़ियों को खेलने दे। मैं कहता हूँ आप तो अपनी वेस्ट इंडीज के लिए खूब खेले हैं, खूब नाम कमाया है। बिल्कुल डीजे ब्रावो, आपके बाकी टीम कहाँ है? क्रिस गेल और ये, अच्छा ये तो बाबर आजम है, बाबर आजम। अच्छा ये उमर अकमल है, और ये हमारे ड्वेन ब्रावो खड़े हैं डीजे ब्रावो। ये देखें नौमान अनवर अभी भी बैटिंग पर मौजूद हैं गाइस, और उनके साथ हैं उस्मान चनवारी और वाइड बॉल। गाइस खान साहब ठीक हो? ये भी बच्चे खेलने के लिए आए हैं दानिश, और ये आमिर भाई की 11 साइड है। ये देखें आमिर भाई आपके प्लेयर्स भी खेलने के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? क्या कर रहे हो, स्कूल गए थे? उधर आमिर भाई व्लॉग आपका देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम कह दो, अस्सलाम वालेकुम कहना भी खेलने के लिए आए हुए हैं। तो गाइस इनमें से कोई भी प्लेयर बन सकता है, कोई भी पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तरफ से खेल सकता है। ये सब किस्मत की बात होती है, हार्डवर्क की बात होती है गाइस, कोई भी प्लेयर बन सकता है। और यहाँ पे नौमान अनवर का कमाल का शॉट, ताड़ियां मारो यार, ताड़ियां है ये जी जी। डीजे ब्रावो ये देखें बुजुर्ग के काम। हाँ
टास कर लो ना मैच। जी देख रहा हूँ, देख गाइस ये देखिए दानिश कनेरिया बैटिंग पर और ये फास्ट बॉलर आए और कमाल का वो, ये देखें अय्यर 11 मैच भी खेलने आई हुई टीम, अय्यर 11 खूब एंजॉय करती हुई। और ये जी चाचू जी ये बकरियां चराते हुए, अस्सलाम वालेकुम चाचू जी, तबीयत है ठीक है चाचू? है तो बढ़ा रहे हैं चाचू जी, ए चाचू टिकटॉक चढ़, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी अय्यर 11 भी ग्राउंड में खेलते हुए, डीजे ब्राव बताएं क्या कहना चाहते हैं, क्या एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं बकरियां? अच्छा ये नौमान अनवर खुद बताने के लिए आए हैं कि मैं भी खेल रहा हूं, मेरी वीडियो बनाएं। ओ डीजे ब्राव सीरियस हो गए, स्टंप आउट कर सकते थे, बेईमानी करें आप अपनी टीम के साथ, ज्यादती ना करें। और यहाँ पे जादूगर बॉलर और यहाँ पे आपकी तरफ खेली शॉट और 6 रन, नौमान अनवर जारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के व्लॉग को आपने खूब इंजॉय किया होगा, इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं, शेयर करते जाएं ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो तो आपको मिल सकें। तो अभी व्लॉग जारी है, ये देखें हर तरफ से यंग प्लेयर्स ने, यंग टैलेंट ने ग्राउंड को घेर रखा है। इस बच्चे की बॉल आपको दोबारा दिखाएँगे, बड़ी अच्छी पेस से बॉल करवाई है, यकीन माने कि इतनी पेस, ये देखें थोड़ा एक्शन मशकूक है इनका लेकिन बॉल अच्छी कर लेते हैं। गाइस इस तरफ भी मैच खेल रहे हैं, प्लेयर्स जा रही हैं, मैच जा रही हैं इस तरफ भी, ये पहले आपको मैंने नहीं दिखाया है। ये देखें गाइस हर तरफ यंग प्लेयर्स ने ग्राउंड को घेर रखा है, ये देखें गाइस। गाइज यही लाइफ होती है एंजॉय करने के, खेलने कूदने की बात में तो जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, मैं कहता हूँ कि टाइम नहीं बचता खेलने का कूदने का, यही एज होती है। तो मैं कहता हूँ कि इसी एज को खूब एंजॉय करना चाहिए, ये बचपन होता है, ना किसी चीज़ की फिक्र होती है, ना किसी चीज़ का डर होता है, तो ये बात है, ये टाइम होता है इंजॉय करने का। गाइज सबसे आपको गाइज आप लोगों को मिलाया लेकिन शहबाज भाई से नहीं मिलाया, अस्सलाम वालेकुम, अभी नहीं मिलाया ना आज के ब्लॉग में, कहती है कसम उठा ली, कहती है मिलाया, ठीक है शहबाज भाई से ठीक है। तो गाइज हम इंजॉय करने के लिए आए थे, थोड़ा खेलने कूदने के लिए हमने कहा कि इंजॉय कर लेते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो आज के ब्लॉग का यही करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।